नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि राजस्थान में कम पैसों में मुर्गी पालन कैसे शुरू करें। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है, बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक स्थिर आय का स्रोत बन सकता है। अगर आप कोई छोटा कारोबार ढूंढ रहे हैं जो कम खर्चे में अच्छा मुनाफा दे, तो मुर्गी पालन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां मुर्गियों को पर्याप्त हवा और धूप मिल सके। ऐसी जगह चाहिए जहां हवा खुली हो और धूप भी अच्छी आए। ये सुनिश्चित करेगा कि मुर्गियों को ताजगी और स्वास्थ्य मिले। मुर्गियों की सफाई बहुत जरूरी होती है, इसलिए ऐसी जगह हो जहां पानी ना जमे। ये मुर्गियों को बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं मुर्गियों के घर यानी शेड बनाने की। शेड का डिजाइन बहुत ही सरल और सस्ता होना चाहिए। इसका डिजाइन बिल्कुल सीधा सादा होना चाहिए। सबसे पहले तो 10x10 फीट का शेड बनाइए। यह आकार पर्याप्त होगा। इसके लिए बांस, लकड़ी या लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामग्री सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है। जमीन मिट्टी की होनी चाहिए ताकि साफ करने में आसानी हो। मिट्टी की जमीन न केवल सस्ती होती है, बल्कि यह मुर्गियों के लिए भी आरामदायक होती है, ताकि मुर्गियों की सेहत अच्छी रहे। लकड़ी के फर्श पर पाल बिछा दीजिए, यह मुर्गियों को आरामदायक महसूस कराएगा। अब शेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 फीट तो होनी ही चाहिए, ताकि हवा आ जा सके। यह मुर्गियों को ताजगी और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हवा के लिए शेड में छोटी छोटी खिड़कियां भी लगाइए, यह शेड को हवादार बनाएगा। मुर्गियों को बैठने के लिए भी कुछ बनाइए। इसके लिए बांस की छड़ों का इस्तेमाल कीजिए, यह सस्ता और टिकाऊ होता है। एक अच्छा बना शेड मुर्गियों को आराम देगा और बारिश धूप से भी बचाएगा। अब खाने पीने की बात करते हैं। मुर्गियों को रोज ताजा पानी और अच्छा खाना दीजिए, यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कम दाम का तैयार दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सस्ता और पौष्टिक होता है। पानी के लिए मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक की ट्रे रख सकते हैं, यह सस्ता और टिकाऊ होता है। मुर्गियों की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, वक्त पर उनकी जांच करें। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा तरीका कि कैसे आप कम खर्चे में मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक स्थिर आय का स्रोत बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हाँ।